टिकट्स हम आगे फॉरवर्ड करा देते हैं सर। जी सर, नोटेड सर। ओके सर, ठीक है। बिल्डिंग हैज कोलैप्स्ड वहाँ पे, पुलिस स्टेशन काजा। हाँ जी, नहीं पुलिस स्टेशन काजा नहीं, फर्स्ट जीएसएस काजा में स्कूल है ना, तो आप क्यूआरटी भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है, वहाँ हो जाएगी सर। के महसूस हुए हैं, विशेष कर बाहर आ गए हैं तो जीएसएस काजा की बिल्डिंग को डैमेज होने का अभी सूचना मिली है, जहाँ पे हमारे पुलिस और आईटीबीपी के जवान जो हैं, क्यूआरटी टीम हमारी चली गई है। पर आप सभी भी, कोई भी अभी बिल्डिंग में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि अर्थक्वेक का सिनेरियो ऐसे रहता है। गुड क्वालिटी जैकेट्स एंड ट्राउजर्स जो प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से अगर ज्यादा जगह नहीं है तो एक आदमी जो है उसके पास छोटी सी भी जगह में पहुंचेगा और उसके नजदीक जा करके विक्टिम को सबसे पहले एक तरफ रोल करेगा। कहीं पोजीशन देखते रहिए, रिस्क्यूअर द्वारा बताया जा रहा है किस तरीके से रोल करना है। ऐसे उसको सहारा देते हुए एक करवट कर देना है, उसके बाद कंबल जो कि आप फोल्ड किए हुए लाए थे उसको अप्लाई करना है। फोल्ड किया हुआ भाग जो है विक्टिम के नजदीक से नजदीक लगाना है और उसके बाद विक्टिम को इसके ऊपर डाल देना होता है। ये देखिए, जैसे विक्टिम बिल्कुल ही सीधा कंबल के सेंटर में आ गया, आपको बहुत ज्यादा उठाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। उसके बाद पैर की तरफ से एक गांठ कंबल में लगा दें ताकि जब विक्टिम को आप बाहर निकालें तो फिसल करके बाहर ना जाए। इस तरीके से जैसा इन्होंने किया, एक मजबूत गांठ आप लगा लें, उसके बाद जिधर से आपने निकलना है उस डायरेक्शन में आप अपना पोजीशन ले लें। जैसे अभी ये हमारी तरफ निकालने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से विक्टिम को पूरा कवर करते हुए और कंबल को रोल करना है और मजबूती से पकड़ के और उसको धीरे धीरे ड्रैग करके बाहर निकालना है। ये एक पैर चला रहे हैं पीछे की तरफ, देखा होगा आपने, इसका ये कारण है, एक खड़ा हो, इसका एक कारण है कि अगर कोई मलबा गिरा है, कोई पत्थर वगैरह गिरे हैं तो उसको साफ करते हुए इस तरीके से विक्टिम को और चोट ना लगे। ऐसे देखा आपने, लेकिन कभी भी कोई चीज काट रहे हैं तो उसका आगे प्रभाव क्या होने वाला है ये चीज का आप जरूर मुआयना करें। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा लोड बियर कर रहा आपने काट दिया और पूरी तरह से इस तरीके से आप और चलाने का इशारा दे दिया गया।
उम्मीद करता हूँ कि स्पिति के हिसाब से जो एवलांच के बारे में बताया गया, अर्थक्वेक के बारे में बताया गया, वो काफ़ी यूजफुल साबित होगा। और यहाँ पे जो दर्शक आए हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो उन्होंने इतना पेशेंटली इतना जो पूरा डेमोन्स्ट्रेशन है वो देखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कुछ सीख के आज यहाँ से जाएंगे। इसके अलावा जो NDRF के असिस्टेंट कमांडेंट साहब आए हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो डेमोन्स्ट्रेशन एक्सरसाइज और मॉक ड्रिल आज की गई है वो पूरे हमने प्रॉपर सिनेरियोज बनाए कि 12 बजे एक अर्थक्वेक आया है, उसके बाद एक स्कूल में बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, फिर एक पुलिस स्टेशन में कोलैप्स हुई है, और एक रोड भी ब्लॉक है जो हमारा बीच का ब्रिज है वहाँ पे कुछ ब्लॉकेज है। तो उसी के हिसाब से सब डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन से हमने मूवमेंट की यहाँ पे। जो हमारे इंसिडेंट कमांडर थे यहाँ पे SDM काजा, उनकी अध्यक्षता में ये पूरा का पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट की मॉक ड्रिल की गई है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बस यही कहना चाहूँगा आपदा के बारे में कि हमें पता नहीं कि कब किस तरह की आपदा हमारे सामने आएगी, बट जितना हम कोशिश कर सके, जितना हम उसके लिए तैयारी कर सके, प्रिपेयरनेस कर सके, उतना बेहतर रहेगा और उतना अच्छे तरीके से हम उसका फेस कर पाएंगे जब वो आपदा आएगी। तो इसी समक्ष आपको अपने 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 घरों से ही शुरू होता है। मेरे को याद है कि बचपन में